ये है न्यूज 19, एक देश एक भाषा एक चैनल, न्यूज 19 टीवी चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूँ। नमस्कार, मैं संजय मित्रा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, न्यूज 19 टीवी चैनल। आज न्यूज 19 टीवी चैनल आ पहुंचा है दिल्ली वेस्ट पटेल नगर में। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में अच्छाई की कोई कमी नहीं है। हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने सोच के हिसाब से ये समाज सेवक करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। न्यूज 19 के संज्ञान में ऐसी एक कोशिश नजर आई और जिज्ञासा बड़ी। चलिए उन लोगों से मिलते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है निष्काम विवाह समिति। जी हाँ, निष्काम विवाह समिति, जिसका उद्देश्य है जितने भी दिल्ली में या दिल्ली के आसपास हैं उनके बीच शादी हेतु रिश्ते करवाना। जी हाँ, ये समिति है, यहाँ के लोगों से मिलते हैं, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, निष्काम सेवा समिति ऐसे लोगों की संस्था जो निष्काम भावना से लोगों में रिश्ते जोड़ना, उनके विवाह हेतु उनके अनुरूप सभी जाति धर्मों के लिए रिश्ते यहाँ पर होते हैं। ये एक ऐसी समिति है दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में, इनकी कई ब्रांचे हैं और आज यहाँ पर आए हैं। निष्काम विवाह समिति, दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में अच्छाई की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उसको ढूंढने की, उसको समझने की। समाज सेवा करने के लिए बहुत कार्य हो रहे हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं, सबके अपने अपने विचार हैं और उसी अनुरूप सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं। और ऐसी ही एक संस्था है निष्काम विवाह समिति, जो निष्काम भावना से दो परिवारों को जोड़ते हैं, रिश्ते करवाते हैं और एक परिवार बसता है। तो ये शुरू होता है दुनियादारी का सिलसिला। हम यहाँ के सभी मेंबर से बात करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आज निष्काम सेवा समिति का दूसरी सालगिरह है, स्थापना दिवस है। आइए हम सबसे बात करते हैं। मेरे साथ है कैमरामैन कौशल कुमार। निष्काम सेवा समिति की, जैसे आप देख रहे हैं केक कट चुका है, आप सभी को न्यूज 19 टीवी चैनल की तरफ से दूसरी वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। प्रमोद खाना तो मुझे थोड़ा निष्काम सेवा समिति के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें और यहाँ के जितने मेंबर्स हैं, कैसे शुरुआत हुई, इसके पीछे क्या कारण था? तो ये अब तो सेवा कर रहे हैं जी, सेवा नहीं है, अब तो सेवा बाबा ही कर रहे हैं। पर निष्काम विवाह में 2 साल हो गए हैं, अब 3रा साल शुरू हो गया, बाकी परिवार जो भी आ रहे हैं, सबके रिश्ते हो रहे हैं, आगे हम सेवा कर रहे हैं। मतलब जितने भी, कितने परिवार जोड़ दिया आपने, कितने विवाह हो गए, कितने रिश्ते करवाए आपने? काफी परिवार, गिनती तो परिवार तो बहुत जुड़ा है जी। मैं सभी से बात करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप जानते हैं कि निष्काम विवाह समिति, उनके संयोजक, उन्होंने अभी बताया कि काफी रिश्ते वो करा चुके हैं, काफी परिवार बस चुके हैं, ये 2 साल इनको कंप्लीट हो चुके हैं और 3रा साल शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आए हुए सभी मेंबर्स, जितने भी मेहमान हैं, उन सभी से बात करेंगे। अब देखते हैं कि मैं बात किससे करता हूँ। चलिए, मेरे सामने एक चेहरा आया गया। जी नमस्कार। मेरा नाम अनिल मल्होत्रा है। जी मल्होत्रा, मैं RW प्रेसिडेंट हूँ और बहुत अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्र में ये एक निष्काम रिश्ता नाता विभाग जो खुल रहा है, इससे काफी लोगों को लाभ होगा। मगर साथ साथ मैं इनसे ये भी एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ये जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है। कन्यादान कराना महादान है हमारे हिंदू धर्म में, और इस कार्य को ये कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करेंगे मैं आशा करता हूँ। साथ में ये लोग ये भी प्रयास करें कि जो तेजी से रिश्ते टूट रहे हैं आज की जिंदगी में, जो आर्टिफिशियल शान के चक्कर में लड़के लड़की ज्यादातर कोर्ट में खड़े मिलते हैं, तलाक ले रहे होते हैं, तो हाँ, इस पे भी रोक लग सके, ये भी प्रयास। जब ये रिश्ता किसी का करवाते हैं तो हर चीज ठीक से उनको जानकारी वो दें कि कोई भी चीज झूठी ना हो, जैसे इनकम को लेके लड़का झूठी इनकम लिखवाते हैं या अपना पूरा डिटेल्स गलत बताते हैं, तो वो काम नहीं होना चाहिए, इस काम पे भी रोक लगनी चाहिए। चलिए, यही होता है कि कुछ सोच अच्छी हो तो कार्य भी अच्छे होते हैं। हम और लोगों से बात करते हैं, मेरे सामने बुजुर्ग लोग भी हैं, सीनियर सिटीजन भी और माता बहनें भी हैं, हम उन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों, आपका परिचय। धन्यवाद, मैं वीना शर्मा, भाजपा से करोलबाग जिला की महामंत्री हूँ, महिला मोर्चा से। ये एक बहुत ही सुंदर शुरुआत है, किसी भी समाज में बहुत जरूरत है कि किसी भी दो परिवारों को और दो लोगों को आपस में मिलाना, किसी भी कारण से अगर वो आर्थिक रूप से नहीं जुड़ सकते या कुछ है तो समाज में उन लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है जो उनकी इस कमी को पूरा करने में सामर्थ्य रखते हैं। और ये सामाजिक दृष्टि से एक बहुत अच्छी सफलतापूर्वक एक कदम होगा, जिससे कि अगर दो लोग आपस में जुड़ जाते हैं, अपना परिवार शुरू करते हैं और
परिवार शुरू करते हुए एक देखा जाए तो परिवार बढ़ेगा और एक जनसंख्या जो हमारी नई पीढ़ी आएगी वो एक शुरुआत होगी और अच्छा रहेगा समाज के, एक अच्छे समाज का निर्माण संभव है। बिल्कुल समन्वय होगा। सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार, मैं शिवानी लांबा, रंजीत नगर मंडल की अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर निष्काम विवाह समिति में। जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं और पे नहीं कर सकते, जहाँ 11,000 21,000 का दान देना पड़ता है, फिर जाके आपका एनरोलमेंट होता है, फिर पता नहीं किस तरह के परिवार मिलेंगे, आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है। अब इस तरह से क्या है कि दो परिवार आराम से मिल सकेंगे, अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की हो जाती है, मतलब बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे एक दूसरे, क्योंकि दोनों को ही समझेंगे फिर आगे भेजेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है और रंजीत नगर वार्ड में इसकी जरूरत भी थी। और मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ कि इसी से जुड़ता हुआ, तो जैसे कि अभी हमारे मोदी जी ने कहा कि देश के विकास में सबकी जिम्मेदारी और सबकी अपनी अपनी भागीदारी है, तभी विकास संभव होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, विश्वास जी। तो इसमें आपका कोई सहयोग आपके अनुरूप कैसा भी भविष्य में? देखिए, जहाँ तक सहयोग की बात है तो मैं अपना प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चलाती हूँ पटेल नगर में और एक सराय रोहिला में, तो मैं तो इतना ही कोशिश कर पा रही हूँ कि मैं केंद्र सरकार की इस योजना को हर उस क्षेत्र में लाना चाहती हूँ जहाँ लोगों को जरूरत है। चलिए एक और सवाल, जब बात बढ़ी रही है तो थोड़ा सा, हर किसी व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली में महिला सुरक्षा व्यवस्था जो आजकल व्यवस्था है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या दिल्ली में महिला सुरक्षित हैं? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो आप ठीक कह रहे हैं कि सुरक्षा का अभाव है, लेकिन उसका जो निवारण है वो ये नहीं है कि सब कुछ मुफ्त कर दिया जाए। उसका निवारण ये है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, उनको इतने मौके दिए जाएं कि वो अपने आप को, अपने व्यक्तित्व का निर्माण अच्छे से कर सके, और वो केंद्र सरकार कर रही है। जैसे कि अभी हाल से एक दो दिन पहले कांड हुआ जिसके सब भर्त्सना कर रहे हैं, ट्विंकल 2.5 साल की बच्ची, उसके साथ बलात्कार, ये पहली बार नहीं हुआ, अनेकों बार हुआ अलीगढ़ के जो कांड हुआ है। तो सरकार से किस तरह, क्या ऐसी व्यवस्था बने कि जितने बलात्कार हैं, जो ऐसी मानसिकता इनकी, इनको डर खौफ पैदा हो उनके अंदर। इस विषय पे तो मैं बिल्कुल निशब्द हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस विषय पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और जिसपे कार्य चल रहा है होगी, बहुत जल्दी होगी। चलिए हम और अब लोगों से बात करते हैं जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल भी नहीं है महिला सुरक्षा के लिए, और मुझे लगता है महिलाओं को एक तो स्वयं खुद अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए, उनको खुद अपना सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, ताकि कभी जब इन परिस्थितियों में पहुंचे तो अपने आप को बचा सके। सबसे पहली पहल तो महिलाओं को ही करनी है अपने लिए, पुलिस प्रशासन भी चुस्त होना चाहिए, पर मैं समझती हूँ महिलाएं जब तक अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जब तक खुद सक्षम नहीं होंगी तब तक ये एक बहुत मुश्किल काम है। आप देख रहे हैं मेरे सामने खड़े हैं एक जोड़ा जिनकी शादी हो चुकी है, और ये शादी निष्काम विवाह समिति के सौजन्य से, इनकी कोशिशों से ये रिश्ता हुआ है। अब थोड़ा सा बात करते हैं जी, खुराना साहब, कितने महीने हो गए शादी को, कितने समय हो गए? दो महीने हो गए, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बढ़िया जी। अच्छा, आपको कभी सोचा था आपने कि आपको इतनी सुंदर सुशील बहू निष्काम सेवा समिति के सौजन्य से मिलेगी, ऐसी कोशिश से ऐसा रिश्ता संभव हो पाए? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, वो पापा ने ही सोचा। अच्छा, आपके फैमिली से पापा मम्मी आए हैं, उनको भी बुला लीजिए, और आपके पापा बुला लीजिए, और आपके पापा जी आए हैं उनको भी बुलाइए इधर। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में विभिन्नताएं होने के बावजूद भी एकता है लोगों में, परस्पर प्रेम है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, ये हमारी बिटिया हिमांशु मल्होत्रा यहीं से हुआ निष्काम की तरफ से, और बहुत विश्वास है। हाँ, जो रिश्ता हुआ है बहुत अच्छा हुआ, और आप लोग खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मैं कैलाश अरोड़ा, मैं भी निष्काम सही दिशा में जा रही है। लोग भी बड़े खुश होते, रिश्ते होते आते बड़े खुश होते हैं कि आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, कौन करता है आजकल, अपने रिश्तेदार ही नहीं आते, मतलब। हाँ जी, लोग खुश होते हैं। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम राकेश कोहली है जी। तो मैं निष्काम विवाह पटेल नगर का संस्थापक सदस्य हूँ। अच्छा, संस्थापक सदस्य, फाउंडर मेंबर है? फाउंडर मेंबर है। तो इसमें आपका क्या योगदान है? मेरा सारा फॉर्म, जो नए फॉर्म भरवाना और सारे लोगों को फाइलें दिखाना और रिकॉर्ड मेंटेन करना और अकाउंट मेंटेन करना मेरा सारा काम है। बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है रिश्ता कराना शादी हेतु। इसलिए मैं श्री प्रमोद खराना जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, उन्होंने
उनकी कर्मठ कार्य कर रही है, उन्होंने पूरा अपना मकान फ्री सेवा के लिए दिया हुआ है। अच्छा। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। न्यूज 19 आपका किस तरह सहयोग कर सकता है जिससे कि आपका ये कार्य जो है समस्त भारत वर्ष में लोगों तक जाए, पूरी दिल्ली आपके बारे में जाने, यहाँ पर लोग आए, आप पे विश्वास करें और उनके भी घर परिवार ऐसे बसे। आप न्यूज चैनल द्वारा हम ये लोगों को कहना चाहते हैं, लड़के वालों को और लड़की वालों को, कि अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ के ज्यादा से ज्यादा उनकी जल्दी से जल्दी विवाह करने की कोशिश करें बच्चों की। ये होता है, आप समझ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग कोई सलाह देते हैं उसके पीछे कारण होता है। तो उनका कहने का मतलब है कि कोहली साहब का कि शादी जितनी जल्दी हो सके सेटल हो जाइए, रही बात महत्वाकांक्षा की, उसे कुछ पाने की, लड़के वालों की जिंदगी पड़ी है। मेरा नाम है एम ग्रुपर। सबको यही मैसेज देता है कि आप बाल बच्चों का जिनका नहीं हो रहा है वो हमारे पास आइए, फौरन ब्याह हो जाएगा। अच्छा, हमारे सेठ साहब का कहना है कि रिश्ते ब्याह करने में देरी ना करें, अगर कोई समस्या है तो इनसे संपर्क करें। यहाँ पहले आया ना, जितने नाम लिखाए हैं 25% के तो आते ही हो गए हैं। अच्छा। हाँ अंकल, हमने सर हमने बहुत काम देखे हैं कि फ्री में खाना खिलाना ये करना, पर ये बहुत अलग है कि बहुत बुजुर्ग लोग मिलके रिश्ते जोड़ रहे हैं तो ये एकदम अलग है, और फ्री में उनका पूरा खर्चा उठाना, परिवारों को मिलाना, तो एक ये बहुत यूनिक चीज है। इससे यूथ को भी सीखने को मिल रहा है कि कैसे रिश्ते जोड़ के रखने चाहिए और इससे क्या फायदा है। अच्छा बेटा, सबसे पहले आपका परिचय। जी, मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने जा रही थी, तो मैंने ये यहाँ पर जाते हुए देखा, अंकल ने हमें खुद बुलाया, हमें बताया और मतलब हमें बहुत खुशी हुई और मैंने यहाँ खाना भी खाया। जी अंकल जी, आपका परिचय। जी, मेरा नाम दीपेश मलिक है। क्या करते हैं आप? जी, मैं अभी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूपीएससी प्रिपरेशन कर जी, तो मैं जब यहाँ से जा रहा था तो जैसे ही अंकल ने हमें बुलाया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक निष्काम विवाह समिति है जिसके अंतर्गत ये लोगों को गाइडेंस करते हैं कि उनका विवाह कैसे संपन्न हो इवन आफ्टर देयर मैरिज। अगर आजकल के यूथ में, आजकल की जनरेशन में ये बहुत प्रॉब्लम आ गई है कि वो बहुत सोच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, इसलिए वो डाइवोर्स केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए पैदा होने लगे हैं, काफी ज्यादा पैदा हो चुके हैं, तो इसलिए ये लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सबसे अच्छी बात है और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बहुत अलग काम कर रहे हैं। कोई एनजीओ ऑर्फनेज वगैरह को हेल्प करता है, कोई डॉग्स वगैरह के लिए हेल्प करता है, लेकिन ये मैंने इकलौता ऐसी समिति देखी जो लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि उनके रिश्ते कैसे बने रहे, कि रिश्ते बने रहे, परिवार बना रहे, क्योंकि आजकल की जो डिजिटल लाइफ हो गई है सबको जल्दी हर बात की जितनी जल्दी रिश्ता बनता है उतनी जल्दी रिश्ता टूटता भी है, तो उसको ना टूटे बरकरार रहे तो एक कोशिश है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, व्हाट एवर यू वांट टू डू इन योर फॉर योर ब्राइटर फ्यूचर। देखिए, आज की डेट में रिश्ते और नाते, एक तो कराने वाले बड़ा प्रयास करके रिश्ते नाते कराता है लेकिन निभने पर डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है रिश्ते नाते निभ नहीं पाते हैं, उस वो जिम्मेदारी का उस काम की वजह से कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो निष्काम से, जैसे ये कोई शुल्क नहीं लेते लेकिन दो परिवारों को मिलाते हैं, उनके रिश्ते को बनाने की कोशिश करते हैं, तो यदि उनके कार्य में कभी को रह जाए तो लेकिन उनको दोष दिया जाता है। तो मेरा यही आग्रह है कि आप जब भी कभी रिश्ते करें तो खुद भी अपनी जांच पड़ताल भी करें, नैतिकता भी लें, उसकी जिम्मेदारी भी लें, वही कार्य हो सकता है। आप देख रहे हैं निष्काम विवाह समिति के कार्यालय में, जो कि स्थित है वेस्ट पटेल नगर में, जिनकी ब्रांच है मेन ब्रांच अशोक विहार में है, जो 10 साल से काम कर रही है पटेल नगर में, 2 साल पूरे हो चुके हैं, 3rd साल आपके सामने खुशियां मनाते हुए, और मेरे साथ अर्चना गुप्ता जी, उनके हस्बैंड गुप्ता जी, और बाकी यहाँ के कर्ता धरता सब है, और मेरे सामने एक युवा जोड़ा खड़ा है जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई और शादी की पूरी व्यवस्था निष्काम सेवा समिति ने, और ये सब देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। लड़की के या लड़के के एक डर बना रहता है कि बच्चों का आगे क्या फ्यूचर होगा, कैसे हम निभाएंगे, पर मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों को उनकी समझदारी पर छोड़ दिए, कई बार होता है पेरेंट्स डर में इतना इंटरफेयर कर रहे होते हैं कि वहां ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, हर चीज में पूछना बेटियों से, बेटा तू ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली लड़की ही अपना घर छोड़ के जाती है, तो पेरेंट्स ज्यादा कंसर्न होते हैं कि ठीक है, सुखी है, नहीं है, अगर हम बेटियों पर छोड़ दें उनकी समझदारी पे, वो अपने विवेक से जब निर्णय लेती है ना, तो बहुत कभी नहीं दिक्कत आएगी, मुझे नहीं लगता कभी दिक्कत आएगी। बहुत बहुत बेहतर चीज है कि यदि इंटरफेरेंस पेरेंट्स का उनके रिश्तों में शुरू के स्टार्टिंग के 1 महीने में बहुत कम हो तो रिश्ते अच्छे निपटते हैं। सबसे पहले तो न्यूज 19 टीवी चैनल की तरफ से आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपने देखा कितने लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सारी ब्लेसिंग्स मिल के आपको क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो यहाँ के प्रधान है आडूले के, जोड़ा खुश रहे, यही दुआ है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो दोस्तों, आपने देखा न्यूज 19 टीवी चैनल 2 बातें कहता है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी कोई ना कोई जरूर सुनता है। तो दोस्तों, अपनी बात कहने से कभी हिचकिचाइए मत, डरिए मत, जरूर कहिए।
अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। हमारा मकसद समस्या खड़ी करना नहीं है, लेकिन क्या करें, समस्या हमें खड़ा कर देती है। धन्यवाद, थैंक यू। ये है न्यूज 19, एक देश एक भाषा एक चैनल, न्यूज 19 टीवी चैनल।